परसों विधानसभा में चीख चीकर करया है। परसों विधानसभा के अंदर जाके पूछूंगा उनसे, बात करूंगा मुख्यमंत्री। एक तरफा प्रेम प्रसंग, युवक युवती की मौत। नमस्कार साथियों, आज झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़ जी के हसलसर गांव में एक भयानक हादसा कह सकते हैं हम लोग, या षड्यंत्र कह सकते हैं उसको। रात के 2 बजे कमरे में सो रही युवती पर उसी के गांव का युवक घर में घुसकर चाकू से गला काटकर युवती की हत्या कर दी। युवक ने युवती के गले पर कई बार वार किए। इसके बाद युवक ने अपने ननिहाल में जाकर खुद की आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पर युवती के साथ खुद की फोटो भी लगाई, साथ में लिखा, माय लाइफ जो मेरा है बस मेरा है, किसी का नहीं हो सकता। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम नज़र में पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। युवक और युवती दोनों एक ही गांव के थे। युवक शादीशुदा है। मृतक का प्रियंका अविवाहित थी। मृतक युवक सुरेश शराब के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे। घर वाले युवती की शादी दूसरी जगह करना चाह रहे थे। युवक इस बात से नाराज बताया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसपी श्याम सिंह कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। 4.5 साल से लगातार राजस्थान में यहाँ का मंदिर देखने मिल रहे हैं। मारो दुर्भाग्य है कि आज वो काम असल सर में देखने मिले। बाकी पूरा राजस्थान में हालात है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सरकार का विधायक माननीय दिव्या जी परसों विधानसभा में चीख चिकर करया है कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ, तो महिला सुरक्षित कठे हो उसके। यहाँ की स्थिति पैदा हुआ बाद में भी सभा के अंदर जाके पूछूंगा, परसों विधानसभा के अंदर जाके पूछूंगा उनसे, बात करूंगा। मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे पूछूंगा, 1-to-1 जवाब मांगूंगा कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर महिला अत्याचार में पहला नंबर आ गया, और ये हमारे घर से शुरू हो रहा है। हमारी पुलिस के पास कोई काम नहीं है। पुलिस सिर्फ पैसे इकट्ठा करना, भ्रष्टाचार करना, अपराधियों के खिलाफ सारे, रोज चोरियां हो रही है, रोज डकैती हो रही है, रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है, कुछ नहीं। तो अब तक जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें आज भी जाता जाता भी मारी तो एक बेटी की हत्या करवाएगा, इसमें बुरा काम कोई हो नहीं सके। यहाँ की सरकार ने उखाड़ फेंकनी चाहिए। ये जनता ने सोचना चाहे कि आप 4.5 साल क्यों ही ना बर्दाश्त कर ली, अब तो जागो, अब तो कम से कम ये बात को मुकाबलो करो। मैं समझूँ कि जनता जागेगी, और बहुत कम समय है कि यहाँ की सरकार ने उखाड़ फेंकांगा नहीं, तो फिर 5 साल में ये काम ने भुगतना पड़ेगा। मैं तो आई बात थाना कहना चाहूँगा।